सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल एजुकेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सैनिक स्कूल के फर्स्ट राउंड ई काउंसलिंग के रिज़ल्ट के बारे में बताने वाला हूं कि सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का रिज़ल्ट जो है वो कब रिलीज़ होगा, ठीक है, और रिज़ल्ट जो है किस वेबसाइट पे रिलीज़ होगा और रिज़ल्ट के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। तो सारा जो आपका डाउट है इस वीडियो में आपको जो है मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसके लिए आपने काउंसलिंग जो है की है, मतलब आपने स्कूल जो है चूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट राउंड जो है 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक था, तो अगर आपने वो चीज़ जो है आपने किया है तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी रिज़ल्ट रिलीज़ होता है ई काउंसलिंग का या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ होता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, जिससे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइज, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हूँ सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं पे जो है सबसे पहला डाउट मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि सैनिक स्कूल का जो है रिज़ल्ट ई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड को वो कहाँ रिलीज़ होगा। तो वो यहीं पे रिलीज़ होगा, इसी वेबसाइट पे। आपको सिंपली सर्च करना है क्रोम पे जाकर या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र में जाकर सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट जो है खुल जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। और यहीं पर जो है आप देख सकते हैं, मैं अगर नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैंडिडेट एक्टिविटीज़। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है काइंडली कीप विजिटिंग पोर्टल फॉर राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट के लिए जो है हमेशा आप देखते। अभी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं बताया गया है कि कब जो है रिज़ल्ट जो है रिलीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है देखते रहें कि रिज़ल्ट कब आता है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के लिए हमेशा जो है विज़िट करते रहें, यानी कि चेक करते रहें वेबसाइट को, तो आपको चेक करते रहना है, ठीक है। लेकिन अब रिज़ल्ट कब आएगा ये मैं बता देता हूँ। रिज़ल्ट कहाँ आएगा मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 वीक के अंदर में रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ये भी मैंने एक्सपेक्ट करके ही बताया था। रिज़ल्ट आने में लेट भी हो सकता है और या तो आ भी सकता है 1 वीक में। कोई मैंने जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बता दिया कि इतना इससे ज़्यादा लेट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो खैर, आप चेक करते रहें वेबसाइट को और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उस पर वीडियो तो बना ही दूंगा, तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वेबसाइट को हमेशा दिन में 3 से 4 बार या जितना आपको इच्छा हो उसके अनुसार जो है आप चेक करते रहें, तो उस हिसाब से जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है कब जो है रिज़ल्ट रिलीज़ होगा और कब नहीं होगा। अब रिज़ल्ट रिलीज़ होगा तो उसके बाद जो है आपको करना क्या है। तो रिज़ल्ट रिलीज़ होने के बाद आपको जो है सबसे पहले आपको रिज़ल्ट रिलीज़ होगा कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है फिल करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। तो गाइस, रिज़ल्ट रिलीज़ होगा तो वहाँ पे दो से पार्ट में बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। पहला पार्ट हो जाएगा जिसका सिलेक्शन हो गया होगा, यानी कि जिनको स्कूल्स मिल गए होंगे, सीट अलॉट हो चुका होगा। दूसरे जो है कैटेगरी वो होगी जो बच्चे नहीं जो है पास नहीं हो पाए होंगे, यानी कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो पहले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे और दूसरे कैटेगरी वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरे कैटेगरी यानी कि पहला कैटेगरी वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला कैटेगरी वाला जो बच्चा है जिसका जो है सीट अलॉट हो गया है कोई भी स्कूल में, मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल मान लो तिलैया के लिए उसका सीट अलॉट हो गया, तो उसे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का, ठीक है। एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आप जो है सोच समझ के भी एक्सेप्ट कीजिएगा कि क्या आपको इस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है कि नहीं। उसके बाद जो है आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है फर्दर आपको फिर मेडिकल टेस्ट या जो भी आगे का प्रोसेस है उसके लिए आपको उसी स्कूल में बुलाया जाएगा। यह है पहला कैटेगरी। दूसरा क्या है, दूसरे जिन बच्चों का सिलेक्शन मतलब यानी कि सीट अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए दो ऑप्शन रहेगा। एक हो जाएगा
एग्ज़िट का ऑप्शन आएगा। एग्ज़िट का मतलब होता है यानी कि आपको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। एग्ज़िट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि आप जो है अब फर्दर जो है इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। अब जो काउंसलिंग जो है ये तो फर्स्ट राउंड था, अभी सेकंड राउंड भी काउंसलिंग होगा बच्चों का, उन बच्चों का होगा जिन बच्चों का वो सीट अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में। तो अगर आप सेकंड राउंड में नहीं जाना चाहते तो वहाँ पर एग्ज़िट का ऑप्शन आएगा, तो एग्ज़िट आप क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा भी ऑप्शन एक आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एग्ज़िट के बारे में बता देता हूँ कि लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि मैं एग्ज़िट करूँ, ठीक है। एग्ज़िट करना भी नहीं है आपको, शायद आपको अगले राउंड में सीट मिल जाए सैनिक स्कूल के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्ज़िट जो है ना करें, ठीक है, थोड़ा वेट कर ले। एग्ज़िट के अलावा भी एक ऑप्शन आपको और मिलेगा। हाँ, सो गाइज, एग्ज़िट के अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, वो है री लॉगिन का, ठीक है। रीकंसीडर का मिलेगा। रीकंसीडर मतलब आप जो है फर्दर दूसरे प्रोसेस में जाना चाहते हैं, मतलब दूसरे ई काउंसलिंग प्रोसेस में जाना, रीकंसीडर का मिलेगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। जिन बच्चों का जो है सीट अलॉट नहीं होगा, जिन बच्चों का सीट अलॉट हो गया वो अब फ्री हो जाए, मतलब यानी कि उनको बस एक्सेप्ट क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपका जो है उसी स्कूल में जो होना होगा होगा, एडमिशन मेडिकल प्रोसेस या जो भी कुछ होना होगा उसी स्कूल में होगा। आप जो है फिर सेकेंड राउंड के लिए आपको परमिशन नहीं दे, उसमें आप जो है भाग नहीं ले सकते यानी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों को जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलेगा और एग्ज़िट का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आपको एग्ज़िट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से हट सकते हैं। तो ये था टोटल प्रोसेस जो कि मैंने आपको बता दिया। रिज़ल्ट कहाँ आएगा, रिज़ल्ट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ई काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपको ओपन करना है क्रोम के थ्रू, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग सर्च करके। दूसरा कि रिज़ल्ट जो है कब आएगा, तो वो मैंने बता दिया कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, अभी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं बताया गया है, ठीक है। आपको सिंपली चेक करते रहना है वेबसाइट्स को, और या तो शायद एक वीक के अंदर में मैंने ऐसा बोला है कि आ सकता है, ठीक है, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। मैं तो बस जो है अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैंने बोल दिया कि एनटीए को लेट भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक सप्ताह काफ़ी होता है, ठीक है। और तीसरा कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, तो बस मैंने जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा, तो सिंपली आपको सोचना है कि हाँ मेरे को अच्छा स्कूल मिला है कि नहीं। अगर आप संतुष्ट है जो अच्छा स्कूल मिला है तो आप जो है उसी पे एक्सेप्ट करें, और अगर आप नहीं संतुष्ट है तो वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और दूसरा ये होगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो तो उनको रिकंसीडर करने का ऑप्शन मिलेगा, एग्ज़िट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो है रिकंसीडर कर सकते हैं, यानी कि आप फर्दर सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं, या फिर आप जो है वहीं से एग्ज़िट हो सकते हैं। अब आप जो है सैनिक स्कूल में इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी कि आप उन्हें उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ई काउंसलिंग के बाद। उसके बाद ई काउंसलिंग के बाद जो है ई काउंसलिंग रिजल्ट रिलीज होने के बाद जो है आपको मेडिकल कॉल के लिए जो है बुलाया जाएगा, और न्यू सैनिक स्कूल का भी ई काउंसलिंग जो है जल्दी होगा। सो गाइज, ये था टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दे अभी तुरंत, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी रिज़ल्ट रिलीज होता है या कोई भी अपडेट आता है, ठीक है, तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा आपके लिए, और इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।